नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव सोनी आज एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। मैं अभी 10 ही दिन पहले एक वीडियो आपको बनाई थी, काफी दिनों बाद आया था मैं। आज ये वीडियो एक पर्टिकुलर स्पेशल टॉपिक के ऊपर है जिसका नाम है, अगर मशीन आपकी पुरानी है और लॉस हो जाता है और पॉलिसी आपकी रीइंस्टेटमेंट वैल्यू पे है तो कैसे उसका लॉस एडजस्टमेंट करना चाहिए। और वो मशीन पुरानी, वैसे पुरानी नहीं है बट जिसे हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेड रीकंडीशन मशीन हमने बाहर से मंगाई, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या प्रिंटिंग इंडस्ट्री है, इसके अंदर एक प्रचलन है कि पुरानी मशीनें रीकंडीशन करने के बाद बाहर से मंगाई जाती हैं और वो जो कीमत ओरिजिनल कीमत के 1/4 या 1/3 पे मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रिंटिंग मशीन हेडलबर्ग की, मान लीजिए कोई प्रिंटिंग मशीन थी, वो 1 करोड़ में यहाँ नई आएगी अगर हम जर्मनी से इंपोर्ट करेंगे तो, और अगर हम सेकेंड हैंड रीकंडीशनड मशीन जिसे बोलते हैं, रीकंडीशनड यानी उसकी सारी पार्ट्स खोल के सर्विसिंग करने के बाद, उसको रीकंडीशन करने के बाद एक बहुत ही बढ़िया नई हालत में बना के या इंडिया में इंपोर्ट किया जाए तो वो 25-30% ऑफ द टोटल कॉस्ट पे, यानी 20-25-30 लाख में आपको मिल जाएगी। उसकी इंश्योरेंस जब की जाती है और लॉस हो जाए और पॉलिसी रीस्टेटमेंट बेसिस पे हो दोस्तों, तो उसका आकलन और उसका भरपाई या लॉस असेसमेंट और कंपनसेशन कैसे किया जाए, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। जनरली मैं देखता हूँ इंश्योरेंस कंपनीज में ऐसे क्लेम सेटल करने में दिक्कत आती है क्योंकि क्लाइंट ये कहता है, इंश्योर्ड ये कहता है कि मेरी पॉलिसी रीस्टेटमेंट बेसिस पे है, मुझे पूरा पैसा मिलना चाहिए। वो 1 करोड़ रुपए की डिमांड करता है जो कि मशीन नई 1 करोड़ की थी और रीस्टेटमेंट पे है। तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देते हुए बात समझाता हूँ। सपोज एक्स ने एक मशीन रीकंडीशनड प्रिंटिंग मशीन जो कि ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन है हेडलबर्ग की, वो जर्मनी से रिकंडीशनड पोजीशन में 30 लाख में ली, जो जिसकी की अगर वो नई मंगाता तो 1 करोड़ रुपए की कॉस्ट होती। अब रिकंडीशन मशीन को उसने, क्लाइंट ने, एक्स ने यहाँ मंगा के इंश्योरेंस करवाई और टोटल और मशीनों के साथ टोटल अमाउंट में इंश्योर्ड हो गई। अब मान लिया जाए कि एक आग लग गई वहाँ पे, एक लॉस हो गया और उस लॉस के बाद क्लाइंट 1 करोड़ रुपए डिमांड कर रहा है सर्वेयर से या इंश्योरेंस कंपनी से, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, कैसे कंपनसेट करना चाहिए, या इस तरह से कह सकते हैं कि अगर आपकी मशीन पुरानी है, रीकंडीशनड है, आपने इंपोर्ट की है, उसको आग लग गई, फायर हो गई, लॉस हो जाता है, तो उसकी असेसमेंट कैसे होनी चाहिए। ये जनरली सर्वेयर्स के बीच में एक टिपिकल क्वेश्चन है। तो मेरे एक्सपीरियंस बेस्ड कई केसेस ऐसे आए जहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी ओपन एंड मशीन्स या ऑटोकोनो मशीन्स या प्रिंटिंग इंडस्ट्री में ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन्स जो कि 2 कलर 3 कलर 6 कलर्स मंगाई जाती है बाहर से और रीकंडीशन मशीन मंगाई और उसमें लॉसेस हुए, तो उसमें हमें सबसे पहले आज की डेट की नई मशीन की कॉस्ट मालूम होनी चाहिए। सिमिलर टाइप ऑफ मशीन का हम आज की डेट का सिमिलर कॉस्ट मार्केट से यानी उस मैन्युफैक्चरर से नई मशीन अगर मंगाएं तो क्या कॉस्ट है वो हमें मालूम होना चाहिए, दैट इज़ द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सेकेंडली, हमें उस जो रिकंडीशन मशीन उसने मंगाई थी वो किस साल में मंगाई थी वो ईयर हमें पता होना चाहिए और कितने अमाउंट में मंगाई थी। उसके अलावा जब वो रिकंडीशन मशीन यहाँ मंगाई थी, मान लीजिए जिस भी साल में, उससे वो कितने पहले का मैन्युफैक्चरिंग मॉडल था वो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उसकी मालूम होनी चाहिए। तो ये जब चीज़ें, 3-4 चीज़ें हमें अगर मालूम है, फॉर एग्जाम्पल रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन,
रिकंडीशन मशीन की ईयर ऑफ परचेज और जो रिप्लेस्ड मशीन मंगाई गई है, यानी कि जो रिफर्बिश्ड मशीन जिसे हम कहेंगे, या आफ्टर गेटिंग इट सर्विस्ड और पुरानी मशीन को रिफर्बिश करके रिकंडीशन करके जो मंगाई गई है, उस वो किस साल में मंगाई गई है। तो तीन चीज़ें, चार चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, एक तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन ऑफ द सेम टाइप, सेकंड जो रिफर्बिश या रिकंडीशन मशीन वो किस साल का मॉडल है, थर्ड वो किस साल में परचेज की गई है इंश्योर्ड द्वारा, एक्स द्वारा। तीन चीज़ें ये सामने आ गई, और उसके अलावा ये लॉस कब हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें एज ए सर्वेयर लॉस असेस करना है। हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो सिमिलर मशीन, सिमिलर मॉडल की जो ओरिजिनली मॉडल था, उसको अगर आज यहाँ जिस साल में हमने इंपोर्ट की उतनी पुरानी मशीन, मान लीजिए 2010 का मॉडल था और 2015 में इंपोर्ट की गई रिकंडीशन करवा के, तो 2010 का जो मॉडल वाली मशीन जो 2015 की पुरानी है, जितनी पुरानी है, वो आज कितने में मिल जाएगी। 2015 के मॉडल मशीन 2015 में या 2010 वाली मॉडल की मशीन आज वो कितने की मिल जाएगी अगर आज पुरानी होगी तो, क्योंकि लॉस आज हुआ है। बेसिकली कहने का पर्पस ये है कि एक पुरानी रिकंडीशन मशीन जिस ईयर में वो मैन्युफैक्चर हुई थी और उसके बाद चलने के बाद, मान लीजिए वो 10 साल चली है, 2000 मान लीजिए 5 की मशीन थी और 10 साल चलने के बाद 2015 में वो पुरानी कंडम हो गई और उसको रिकंडीशन किया गया और 2015 में एक्स ने खरीदी और 2019 में लॉस हो गया। तो हमारा एक तरीका तो ये रहेगा लॉस कैलकुलेशन करने का कि सिमिलर टाइप ऑफ न्यू मशीन अगर हम लेते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट 1 करोड़, तो उसमें कितनी पुरानी वो मशीन थी, वो 10 साल पुरानी मशीन थी और 5 साल और हो गए उसको 15, और आज लॉस हुआ तो ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ वो खत्म होने के वर्ज पे थी, तो उस पे आज भी 75% डेप्रिसिएशन लग के हम उसको सेटल कर सकते हैं लॉस को। सेकेंडली एक तरीका यह है कि अगर 2010 का मॉडल आज वो कितने में रिकंडीशन मिल जाएगा, वो कॉस्ट लेके हम उसको अलाउ कर सकते हैं। ये टॉपिक जो है बड़ा क्रिटिकल होता है जब हमें रीइंस्टेटमेंट बेसिस पे सेटल करना होता है। ऑल्दो रिप्लेसमेंट कॉस्ट नई मशीन की 1 करोड़ रुपया जो हमने बताई, वो उसके ऊपर हमें अप टू द ईयर ऑफ परचेज, यानी 2010 का जो मॉडल था वो मशीन का, आज अगर मशीन की कीमत 1 करोड़ रुपया है तो 2010 का जो मॉडल है वो 2019 में जाके लॉस हुआ उसका, उतने सालों की जितनी पुरानी मशीन अगर माइनस कर देंगे तो वो मार्केट वैल्यू पे आ जाएगी। लेकिन 2015 में वो रीस्टेटमेंट वैल्यू क्या बनेगी उसकी, वो उतने साल पुरानी थी वो मशीन, यानी 10 साल पुरानी थी वो मशीन, 2005 की मशीन 2015 में अगर ली गई है तो वो उतना डेप्रिसिएशन माइनस करके उसकी रीस्टेटमेंट वैल्यू उस डेट पे मानी जा सकती है। यानी 1 करोड़ रुपए में से अगर हम 20 साल की लाइफ मानते हैं तो 50% डेप्रिसिएशन माइनस करके उसकी वैल्यू आज की डेट में रीस्टेटमेंट बेसिस पे, 2015 में खरीदी थी तो 2015 की रीस्टेटमेंट वैल्यू पे हम उसको अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें से डेप्रिसिएशन फर्दर हम यूज करने का माइनस नहीं कर सकते। अगर मार्केट वैल्यू पे होती तो मैं फर्दर डेप्रिसिएशन माइनस करके क्लेम को सेटल कर देता। तो ये तो एक तरीका हो गया दोस्तों, पुरानी मशीनों के ऊपर रीस्टेटमेंट बेसिस पे अगर पॉलिसी है तो उसको नई कॉस्ट लेके कैसे सेटल किया जाता है। और दूसरे मेथड के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो लॉस कैलकुलेशन का तरीका ये हो सकता है कि पुरानी रिकंडीशन मशीन किस मॉडल की मशीन है, वो 2010 की मॉडल की मशीन एक्स ने ली थी,
तो 2010 का मॉडल अगर 2019 में चूंकि फायर हुई है, वो अगर हम रिकंडीशन करके मंगाते हैं आज, सेम मशीन सेम मॉडल 2019 में मंगाते हैं, तो वो कितने में आएगी? तो वो सिमिलर कॉस्ट जितने में आएगी वो हमें रीइंस्टेटमेंट वैल्यू मानी जाएगी, उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा, उसको एज इट इज अलाउ करेंगे हम। तो दोनों में से कोई भी मेथड कंपैरिजन करके जो हमें ठीक लगता है, जो लोअर लगता है या ठीक लगता है, एक रीजनेबल सा इंडेमनिटी क्लाइंट को दे दी जाती है। तो ये एक तरीका हम लोग जो अपनाते हैं, आई थिंक आप लोगों को कुछ इससे अगर कोई डिस्कशन है या कुछ भिन्नता है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और अगर कोई डिस्कशन अदरवाइज करना है तो मेरा नंबर आ रहा है इस पे चैनल पे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच।